हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। न्यूरॉन्स क्या होते हैं? न्यूरॉन्स पढ़ने से पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या होता है, तो चलिए शुरू करते हैं। ह्यूमन नर्वस सिस्टम, द मेन ऑर्गन ऑफ द नर्वस सिस्टम आर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। द सेंस ऑर्गन लाइक ईयर्स, आईज, टंग, नोज एंड स्किन कैन बी कंसिडर टू बी अदर ऑर्गन ऑफ द नर्वस सिस्टम बिकॉज दे हेल्प इन द फंक्शनिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम। जो नर्वस सिस्टम होता है वो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व से बना होता है। द सेंस ऑर्गन, जैसे सेंस ऑर्गन हमारे आँख होते हैं, नाक, कान, हमारी जीभ, स्किन, ये सब मिलकर क्या करते हैं, पूरा जो नर्वस सिस्टम है उसको फंक्शन करने में हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। क्योंकि जो हमारे सेंस ऑर्गन है वो रिसेप्टर का काम करते हैं, नर्वस सिस्टम में इंफॉर्मेशन को रिसेप्ट करते हैं और फिर उस मैसेज को आगे पास करते हैं। तो यहाँ पर जो ब्रेन है, द ब्रेन इज लोकेटेड इनसाइड द स्कल ऑफ आवर हेड। आपको पता है कि जो हमारा ब्रेन होता है वो हड्डियों का जो कंकाल होता है, स्कल होता है, उसके अंदर होता है, इनसाइड में होता है। फिर स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड, द स्पाइनल कॉर्ड इज अ वेरी थिक नर्व्स विच रन इनसाइड द कैविटी ऑफ बैकबोन इन आवर बॉडी। जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, जो हमारी बैकबोन जिसको बोलते हैं, उसके कैविटी में क्या होता है, इनसाइड रन होता है स्पाइनल कॉर्ड। द अपर एंड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज अटैच टू द ब्रेन। जो स्पाइनल कॉर्ड का जो अपर पार्ट होता है वो अटैच होता है हमारे ब्रेन से। थर्ड आता है नर्व्स। नर्व्स क्या होती है, नर्व्स आर अ काइंड ऑफ वायर विच आर डिस्ट्रीब्यूट ऑल ओवर आवर बॉडी। जो नर्व्स होती है वो एक टाइप की वायर होती है, मतलब जैसे हमारे पूरे शरीर में क्या होता है, जाल सा फैला हुआ होता है पूरी बॉडी में, जो डिस्ट्रीब्यूट होती है हमारी पूरी बॉडी में। द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर कनेक्ट टू ऑल द सेंस ऑर्गन एंड अदर पार्ट ऑफ आवर बॉडी बाय मिलियंस ऑफ नर्व्स। जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है वो कनेक्ट होते हैं ऑल द सेंस ऑर्गन से, और जो नर्व्स होती है हमारी पूरी ऑल ओवर बॉडी में क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है, और मिलियंस नर्व्स होती है जो पूरी बॉडी में हमारी डिस्ट्रीब्यूट होती है। द ह्यूमन नर्वस सिस्टम रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सराउंडिंग, प्रोसेस इट, इंटरप्रेटेड इट एंड देन रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है, कहाँ से, अपने बॉडी के चारों ओर से, जो सराउंडिंग होती है बॉडी की वहाँ से रिसीव करता है, फिर उसको प्रोसेस करता है, उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई है उसको क्या करता है, प्रोसेस करता है, फिर उसको इंटरप्रेटेड करता है, उसकी व्याख्या करता है, एक्सप्लेन करता है उसको, और फिर अपने हिसाब से फिर क्या करता है, अपने अकॉर्डिंग क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है। फॉर एग्जाम्पल, एज सुन एज वी पुट फूड इन आवर माउथ इट इमिडिएटली काउज द रिलीज ऑफ सलाइवा फ्रॉम सलाइवरी ग्लैंड। जैसे हम क्या होता है, हमें जब भूख होती है या हम कोई डिलीशियस जो हमारे पास डिश होती है, कोई फ्रूट होता है, जब हम उसको देखते हैं तो हमारे मुंह में क्या आ जाता है, पानी आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लार, सलाइवा होती है। ये कहाँ से आती है, सलाइवरी ग्लैंड से। इसका एक दूसरा एग्जाम्पल, जो अगर हम अचानक हमें कहीं पर सांप दिख जाता है या कहीं पर कोई पागल कुत्ता होता है, तो वो अचानक दिख जाता है तो हमारी जो मांसपेशी होती है वो फौरन क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है, वहाँ से क्या करते हैं, भाग जाते हैं। तो ये सारा काम, इस टाइप का काम जो है ये करता है हमारा नर्वस सिस्टम। हम इस पिक्चर में देख सकते हैं जो हमारा जो पूरा नर्वस सिस्टम है, हमने जैसे अभी पढ़ा था कि नर्वस सिस्टम ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व से मिलकर बना हुआ होता है, तो यहाँ पर आपको
सबसे ऊपर आपको दिख रहा है ये यहाँ पर ब्रेन है, ये सबसे ऊपर क्या है, ब्रेन है। ब्रेन में एक लाइन जो अंदर अंदर ये जा रही है, ये बैकबोन के साथ, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये है स्पाइनल कॉर्ड, जिसका अपर पार्ट किससे कनेक्ट है, ब्रेन से। और इसका जो लोअर पार्ट है या इसके अदर पार्ट है, ये सारे कनेक्ट होते हैं हमारे नर्व से। जो नर्व्स होती है वो क्या होती है, पूरी बॉडी में क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है सारी बॉडी में। तो जो क्या करती है, जो रिसेप्टर होते हैं, रिसेप्टर का काम करते हैं इंफॉर्मेशन को रिसीव करती हैं। यहाँ से जब ये इसको रिसीव करती है, कहीं पर भी नर्व्स कहीं से भी क्या करती है, इंफॉर्मेशन को रिसीव करती है। ठीक, यहाँ से फिर स्पाइनल कॉर्ड में, और फिर स्पाइनल कॉर्ड से कहाँ ले जाती है इन्फॉर्मेशन को, ब्रेन तक। ब्रेन इसको क्या करता है, प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद इसको फिर वापस क्या करता है, अपना डिसीजन लेके वापस क्या करता है, बैकबोन में। बैकबोन में जो क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड होती है, स्पाइनल कॉर्ड से फिर नर्व से क्या करता है, उस टारगेट ऑर्गन तक भेजता है जहाँ से हमें वो इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई थी। अब हम बात करेंगे न्यूरॉन्स की। न्यूरॉन क्या होते हैं, जो आज हमारा मेन टॉपिक है, द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, द यूनिट विच मेक अप द नर्वस सिस्टम आर कॉल्ड नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। वी कैन से दैट नर्वस सिस्टम इज मेड ऑफ स्पेशल सेल कॉल्ड न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स इज द लार्जेस्ट सेल इन द बॉडी। न्यूरॉन्स कैरी मैसेज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल कॉल्ड इलेक्ट्रिकल इम्पल्स और नर्व इम्पल्स। यहाँ पर न्यूरॉन्स जो है, द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, अभी जो हमने नर्वस सिस्टम पढ़ा है उसका क्या होता है, एक यूनिट होती है। हमने जैसे सेल के बारे में पढ़ा है, सेल क्या होता है, पूरी बॉडी का एक यूनिट होती है। सबसे छोटी क्या होती है, यूनिट होती है। जैसे एक पूरा कमरा है तो वो ईंट से बना हुआ है, उसके अगर हम एक सिंगल ब्रिक्स, अगर एक सिंगल ईंट ले, तो वो उस पूरे कमरे की क्या हो जाएगी, एक यूनिट हो जाएगी। ठीक है, तो उसी टाइप की जो हमारा नर्वस सिस्टम है, उसकी जो यूनिट है, उसकी जो सबसे छोटी यूनिट है, उसको हम बोलते हैं न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स बोलते हैं द यूनिट विच मेक अप द नर्वस सिस्टम। जो यूनिट क्या करती है, नर्वस सिस्टम को बनाती है, उसको हम बोलते हैं नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स जो है वो क्या होती है, वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का जो स्ट्रक्चर होता है या वो फंक्शन करता है, ठीक है, उसकी यूनिट होती है न्यूरॉन्स। हम कह सकते हैं कि जो न्यूरॉन्स होता है वो एक स्पेशल सेल से बना हुआ होता है, और उस स्पेशल सेल को हम बोलते हैं न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन जो होता है वो लार्जेस्ट सेल इन द बॉडी, हमारी बॉडी में सबसे लार्जेस्ट सेल होती है न्यूरॉन्स की। न्यूरॉन जो कैरी करता है वो मैसेज को किस रूप में करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ठीक है, जो मैसेज जो ट्रांसफ़र करता है या भेजता है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में करता है, और हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, या हम ये मैसेज भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल मैसेज होता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स और नर्व इम्पल्स। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे कि जो न्यूरॉन्स है वो नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी यूनिट है, सबसे छोटी इकाई है, और ये नर्वस सिस्टम की क्या है, दूसरा जो पॉइंट है वो है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम की। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, न्यूरॉन बोलते हैं। और न्यूरॉन क्या होती है, सबसे लार्जेस्ट सेल इन द बॉडी, बॉडी में सबसे लार्जेस्ट सेल होती है, और जो मैसेज को ये कैरी करती है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या नर्व इम्पल्स इसको बोलते हैं। ये डायग्राम हमारे पास यहाँ पर किस चीज़ का है, न्यूरॉन्स का है। यहाँ पर लिखा हुआ है न्यूरॉन सेल्स या नर्व सेल्स। ठीक है, न्यूरॉन सेल्स में आप देख सकते हैं, सबसे लेफ्ट साइड में यहाँ पर हम देख सकते हैं ये है डेंड्राइट्स। ये जो ब्रांच, हल्की छोटी छोटी जो ब्रांचें दिख रही है, इसको बोलते हैं डेंड्राइट। ठीक है, उसके बाद आता है सेल बॉडी, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, एक्सॉन, माइलिन सीथ, नर्व एंडिंग।
ये इसका स्ट्रक्चर है, न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर है। एक सिंगल सेल जो न्यूरॉन्स है उसका स्ट्रक्चर है, सिर्फ एक सिंगल सेल का। ऐसी मिलियंस सेल्स होती है हमारी बॉडी में जो क्या करता है, नर्वस सिस्टम को बनाता है। ठीक है, न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स हैज थ्री कंपोनेंट। इसके जो मेजर तीन कंपोनेंट होते हैं वो होते हैं सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, एक्सोन। अभी हमने ऊपर पिक्चर में जो देखा है, जो हमारा डेंड्राइट्स, ये डेंड्राइट हमारा, ये सेल बॉडी और एक्सोन, इसके बारे में अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है सेल बॉडी। सेल बॉडी क्या होता है? द सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन इज अ लाइक ऑफ टाइपिकल एनिमल सेल विच कंटेन साइटोप्लाज्म एंड अ न्यूक्लियस। अ नंबर ऑफ लॉन्ग एंड थिन फाइबर्स आर स्ट्रेचिंग आउट फ्रॉम द सेल बॉडी ऑफ अ न्यूरॉन्स, दे आर कॉल्ड नर्व फाइबर। जो सेल बॉडी होती है, ठीक है, यहाँ पर क्या होते हैं, अभी हमने कहा था इसमें क्या होता है, जो सेल बॉडी होती है उसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है आपको पता होगा, आपने सेल के बारे में पढ़ा होगा। तो साइटोप्लाज्म में क्या होता है, यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म है वो आपने जैसे एनिमल सेल या प्लांट सेल इनके बारे में पढ़ा होगा। तो जैसे एनिमल सेल के साथ इसको क्या किया है, कंपेयर किया है, जो सेल बॉडी है इसमें होता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। ठीक है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, जिसमें सेल के सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, साइटोप्लाज्म में। और दूसरा होता है न्यूक्लियस, जो पूरी एक सेल को क्या करता है, इसमें कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये किस में आते हैं, सेल बॉडी में। ठीक है, और सेल बॉडी में जो ये लंबी लंबी जो ये इस टाइप की, ये जो मेन ब्रांच है, यहाँ से ये फाइबर इस टाइप से ये निकलती है, इनको बोलते हैं नर्व फाइबर। क्या बोलते हैं, नर्व फाइबर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा अपना पूरा क्या हो जाएगा, सेल बॉडी है, जिसमें साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है। फिर आता है डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या होते हैं, द शॉर्टर फाइबर ऑन द बॉडी ऑफ अ न्यूरॉन आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। ठीक है, जो डेंड्राइट्स हैं यहाँ पर, जो सेल बॉडी में बाहर की ओर बहुत सी जो ये ब्रांचें बनी हुई है, ये यहाँ पर ये क्या है, डेंड्राइट्स है, जो क्या करती है, मैसेज को क्या करती है, रिसीव करती है, रिसेप्टर का काम करती है। नेक्स्ट है एक्सॉन। थर्ड जो कंपोनेंट है न्यूरॉन्स का वो है एक्सॉन। द लॉन्ग फाइबर ऑन द सेल बॉडी ऑफ अ न्यूरॉन इज कॉल्ड एक्सॉन। द एक्सॉन हैज़ एन इंसुलेटिंग एंड प्रोटेक्टिव शीथ ऑफ माइलिन अराउंड इट। माइलिन इज मेड ऑफ फैट एंड प्रोटीन। यहाँ पर जो बॉडी सेल और डेंड्राइट को छोड़ के इस टाइप में जो यहाँ पर ये जो लॉन्ग फाइबर जो दिखाई दे रही है ये है, इसको बोलते हैं एक्सोन। ये क्या होती है, एक्सोन होती है। और एक्सोन के बाहर से क्या होती है, माइलिन सीथ होती है, जो क्या करती है, एक्सोन को प्रोटेक्ट करती है, इंसुलेटिंग और प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, और ये फैट और प्रोटीन की बनी होती है, जो माइलिन सीथ होती है। ठीक है, उसके बाद एक्सोन में यहाँ ये आगे क्या है, नर्व्स एंडिंग है। यहाँ पर ये आगे क्या करते हैं, इनके टॉप तक यहाँ से मैसेज को क्या करते हैं, दूसरा जो न्यूरॉन्स होता है उसमें ट्रांसफ़र करने का काम होता है। देखो यहाँ पर डेंड्राइट्स जो है वो क्या करेंगे, जो मैसेज होगा, ठीक है, उसको क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। तो ये क्या होते हैं, डेंड्राइट क्या होते हैं, रिसेप्टर होते हैं। ठीक है, ये मैसेज को यहाँ से सेल बॉडी में और सेल बॉडी से एक्सोन से होते हुए, ठीक है, आगे नर्व्स एंडिंग तक जाएंगे। और यहाँ नर्व्स एंडिंग क्या करता है, दूसरा जो न्यूरॉन्स होगा उसमें जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, जो मैसेज है, उसको दूसरे न्यूरॉन्स में ट्रांसफ़र करने का काम करेगा। हम इस डायग्राम की हेल्प से इसको समझ सकते हैं। जो हमारा डेंड्राइट्स हैं, ये छोटी छोटी जो ब्रांचें हैं, ये क्या है, डेंड्राइट्स है। जो जो मैसेज होता है या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होता है उसको रिसीव करने का काम करता है, रिसेप्टर होता है। यहाँ से जब इसके पास, डेंड्राइट के पास
रिसीव जो मैसेज होता है वो आ जाता है, तो ये क्या करता है, जो ये फाइबर्स लाइक जो ये है ये कहाँ पर पहुँचाता है, सेल बॉडी में, ठीक है। सेल बॉडी इस इंफॉर्मेशन को कहाँ पर पहुँचाती है, एक्सॉन से, ठीक है। एक्सॉन जो माइलिन शीथ से क्या होता है, कवर होता है, प्रोटेक्टेड होता है, ठीक है। ये इस इंफॉर्मेशन को यहाँ से कहाँ पर पहुँचाती है, जो इसका एंड पॉइंट होता है, नर्व्स का एंड पॉइंट, यहाँ इन पॉइंट में पहुँचाता है, और फिर यहाँ से ये दूसरे न्यूरॉन्स में क्या करता है, ट्रांसफ़र करने का काम करता है। द मैसेज विच द न्यूरॉन्स ट्रांसमिट इन द नर्वस सिस्टम आर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कॉल्ड नर्व इम्पल्स। जो न्यूरॉन्स जिस मैसेज को ट्रांसमिट करता है उस नर्वस सिस्टम में, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बोलते हैं, और इस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को हम क्या बोलते हैं, नर्व इम्पल्स बोलते हैं। द डेंड्राइट्स पिक अप द नर्व इम्पल्स और मैसेज फ्रॉम रिसेप्टर। जो डेंड्राइट्स होते हैं वो पिकअप करते हैं या रिसीव करते हैं मैसेज को। मैसेज क्या होते हैं, जो हमारे पास इम्पल्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल या नर्व इम्पल्स होते हैं, उसको क्या करते हैं, रिसेप्टर से क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, ठीक है, पिकअप करते हैं, ठीक है। दे पास द इम्पल्स टू द सेल बॉडी एंड देन अलोंग द एक्सोन। और डेंड्राइट इसको क्या करता है, सेल बॉडी में भेजता है, सेल बॉडी से फिर आगे कहाँ जाता है, किस में भेजता है, एक्सोन में। द एक्सोन पासेस द इम्पल्स टू अनदर न्यूरॉन्स थ्रू अ जंक्शन कॉल्ड सिनेप्स, ठीक है। जो एक्सोन होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में जब ये इसको भेजता है, तो इस टाइप का जो ये जंक्शन होता है इसको बोलते हैं सिनेप्स, ठीक है। सिनेप्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार पूछा जाता है सिनेप्स क्या होता है, ठीक है, इसको हम अभी पढ़ेंगे। इससे पहले यहाँ पर न्यूरॉन्स के जो थ्री टाइप है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। न्यूरॉन्स के तीन टाइप होते हैं, सबसे पहले सेंसरी न्यूरॉन्स, सेकेंड है मोटर न्यूरॉन्स, और थर्ड है रिले न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या होता है, सेंसरी न्यूरॉन्स ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम सेंसरी सेल्स और रिसेप्टर्स टूवर्ड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। जो सेंसरी न्यूरॉन्स होता है ट्रांसमिट करता है इम्पल्स को फ्रॉम कहाँ से, जो सेंसरी सेल या रिसेप्टर होता है, ठीक है, टूवर्ड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो बना होता है स्पाइनल कॉर्ड से और ब्रेन से, ठीक है। जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है ये दोनों मिलकर बनाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंसरी जो न्यूरॉन्स होते हैं ये क्या करते हैं, जो इम्पल्स है उनको क्या करते हैं, रिसेप्ट करते हैं, कहाँ पर भेजते हैं, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ठीक है। सेकेंड आता है मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टूवर्ड द मसल्स सेल्स, ठीक है। यहाँ पर जो मोटर न्यूरॉन्स हैं ये इम्पल्स को ट्रांसमिट करते हैं कहाँ पर, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ठीक है, जो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, टूवर्ड द मसल सेल्स, ठीक है। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है यहाँ से मोटर क्या करेंगे, अब जो मोटर न्यूरॉन्स हैं वो कहाँ पर ले जाएंगे, अब इम्पल्स को कहाँ ले जाएंगे, मसल सेल्स या जो इफेक्टर होता है, जहाँ पर इसका इफेक्ट होता है वहाँ पहुँचाता है, ठीक है। कहने का मतलब है जो सेंसरी ऑर्गन होगा, ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन्स, वो मैसेज को रिसीव करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भेजेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसमें प्रोसेस करेगा, प्रोसेसिंग करने के बाद, ठीक है, वो फिर आगे क्या कर देगा, उसको जो मोटर न्यूरॉन्स है उससे क्या कर देगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कहाँ पर भेजेगा, उस मसल्स तक भेजेगा जहाँ से वो क्या हुआ है, रिसेप्ट हुआ या टारगेट ऑर्गन तक भेजता है। थर्ड आता है रिले न्यूरॉन्स। रिले न्यूरॉन्स एक्यूर इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेयर दे सर्व एज लिंक बिटवीन अदर न्यूरॉन्स, ठीक है। जो रिले न्यूरॉन्स होता है ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता है, और ये लिंक करता है आपस में जो एक से अधिक जो न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, अदर न्यूरॉन्स के साथ क्या करता है, लिंक करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ठीक है। ये तो हमारे तीन टाइप के क्या थे, न्यूरॉन्स के तीन टाइप थे, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स और रिले न्यूरॉन्स। अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं सिनेप्स के बारे में। सिनेप्स क्या होता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है सिनेप्स क्या होता है, ठीक है।
माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन अ पेयर ऑफ एडजेसेंट न्यूरॉन्स ओवर विच नर्व इम्पल्स पास व्हेन गोइंग फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द नेक्स्ट इज कॉल्ड अ स्नैप्स। ठीक है, क्या होता है जो जब दो न्यूरॉन्स जो आपस में जब एक न्यूरॉन्स मैसेज को या इलेक्ट्रिक इम्पल्स को क्या करता है दूसरे में भेजता है तो बीच में जो जंक्शन आता है, ठीक है, बीच में जो खाली गैप आता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्नैप्स बोलते हैं। ठीक है, एनी टू न्यूरॉन्स इन द नर्वस सिस्टम डू नॉट ज्वाइन टू वन अनदर कम्प्लीटली। जो कोई भी दो जो न्यूरॉन्स होते हैं वो क्या कम्प्लीटली एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्ट नहीं होते हैं, उनके बीच में थोड़ा सा गैप होता है, इसी गैप को हम क्या बोलते हैं, स्नैप्स बोलते हैं। देयर इज ऑलवेज अ वेरी वेरी स्मॉल गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन्स। ठीक है, इन दोनों न्यूरॉन्स के बीच में क्या होता है, छोटा सा गैप होता है, दिस गैप इज कॉल्ड अ स्नैप्स। ठीक है, तो इस गैप को ही हम क्या बोलते हैं, स्नैप्स बोलते हैं। ठीक है, जो एक न्यूरॉन और दूसरा न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप होता है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्नैप्स बोलते हैं। द नर्व इम्पल्स आर कैरिड ओवर दिस स्मॉल गैप बिटवीन अ पेयर ऑफ न्यूरॉन्स बाय मीन ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस। ठीक है, जो स्नैप्स होता है जब दो न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्नैप्स बोलते हैं। और इन दो गैप के बीच में जो सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस रिलीज होता है उसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस। ठीक है, हम इस पिक्चर में यहाँ पर समझ सकते हैं ये एक्सॉन ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं जो क्या करते हैं, रिसेप्टर होते हैं, मैसेज को रिसीव करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। ठीक है, ये इतना जो ए है ये इतना ये क्या है, एक सिंगल न्यूरॉन है। ठीक है, और ये एंड ऑफ एक्सॉन ऑफ सेंसरी न्यूरॉन, ये जो हमारा न्यूरॉन है उसका एंड है ये वाला। ठीक है, यहाँ से जो इम्पल्स है वो यहाँ से होकर के यहाँ पर लास्ट यहाँ पर तक आता है। ठीक है, ये केमिकल सब्सटेंस बीच में जो रिलीज होता है और ये खाली गैप है। ठीक है, इस खाली गैप को ही हम क्या बोलते हैं, स्नैप्स बोलते हैं। ठीक है, गैप बिटवीन टू कनेक्टिव न्यूरॉन्स ए और बी। ठीक है, बी क्या है, ये हमारा बी है जो दूसरा हमारा न्यूरॉन्स है। ठीक है, ये क्या है, जो दूसरा जो न्यूरॉन्स है, हमने कहा था डेंड्राइट क्या होते हैं, रिसेप्टर होते हैं, मैसेज को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। ठीक है, डेंड्राइट्स ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन्स, दूसरा जो न्यूरॉन्स है उसका ये क्या है, डेंड्राइट है जो हमारा वी है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, यहाँ से ये बीच में जो गैप है, ठीक है, इस गैप से इसने इंफॉर्मेशन यहाँ पर केमिकल सब्सटेंस से क्या कर दिया, दूसरा बी जो है डेंड्राइट्स है, दूसरा जो न्यूरॉन्स है उसमें भेजा है। ठीक है, ये क्या है, इस टाइप का इसको बोलते हैं हम सिनेप्सिस। जब एक एक्सॉन अपने मैसेज को दूसरे जब एक न्यूरॉन्स अपने मैसेज को दूसरे न्यूरॉन्स में ट्रांसमिट करता है तो उसके बीच में जो गैप बन जाता है उस गैप को हम क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, सिनेप्स हो जाता है। ठीक है, तो सिनेप्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज का हमारा ये टॉपिक है, ठीक है, जिसमें हमने सबसे पहले किस चीज़ के बारे में स्टडी करा है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम क्या होता है। ठीक है, फिर हमारे पास आता है न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स क्या है, ठीक है, न्यूरॉन्स कैसे काम करता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, और हमारे पास लास्ट जो आता है ये है सिनेप्स हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सिनेप्स के बारे में क्या है, जहाँ पर दो न्यूरॉन्स क्या होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं या उन दोनों के बीच में जो गैप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं। तो आज का टॉपिक इतना ही।